ये अड्डा की भाई का और यानी वो आना लग गया ना, वो कैमरे में ना ले गया ना, वो अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता भाई की गाड़ी खड़ी हुई है। नहीं वैसे वो कैमरे में तो वो इधर ही कहीं होगा। यही है भाई, पीछे है, यही है घर। गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। उनके बाद एक बार फिर वेलकम बैक करता हूं व्लॉग में। तो यार व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था आने का, लेकिन अब मजबूरन बनाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना फहीम, आपने देखा होगा अक्सर मेरे साथ वीडियोस में आता है, उसने मुझे कहा कि दोबारा चलो बहरिया टाउन मेरी खातिर, मैं तुम्हें डक्की से मिलवाता हूँ। वहाँ पर हमारे एक सर हैं, उन्होंने हमें किया इन्वाइट। हम जा रहे हैं बहरिया टाउन इतनी धूप में, गर्मी में। आज तारीख है 21 या 22 जून आई थिंक, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है जुमेरात का दिन। तो अभी हम निकलने लगे हैं बैरिया टाउन की तरफ। तो यार आज तो उम्मीद लगा के जा रहे हैं कि आज डक्की भाई मिल जाए। पिछले 2 साल से खज्जर हो रहे हैं, 3-4 चक्कर बैरिया टाउन लगाए हैं उस के वो जो ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं देने देते, तो आज एंट्री लेनी है जो मर्जी हो जाए। ब्लॉग भी दुआ करना हमें एंट्री मिल जाए। तो निकलते हैं यार ब्लॉग। बस मैंने ब्लॉग पता किस तरह बनाया, मैंने व्हाट्सएप डिलीट किया, कैपकट डिलीट किया, काफ़ी चीज़ें डिलीट करके मैंने स्टोरेज मोबाइल में फ्री की है। तो मोबाइल में थोड़ी सी स्टोरेज फ्री हुई है तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं था। चलते हैं थोड़ी देर तक भाई माता। तो यार फिर निकलना है यार आज, काश यार आज मिल जाए डक्की भाई। हाँ जी गाई जी आ गया, तो दिन का सुबह तो वेट हो रहा सी, तो हूँ असी चले हैं। चलिए भाई XR दे आए, चल हर बच्चा आईफोन लेके आया, आईफोन पे व्लॉग बनेगा। ओ यार भाई कुछ करते यार, वो जो भी इंट्रो शिंट्रो था छोड़ो, यहाँ से इंट्रो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, ठीक है। बाकी है फाइन लाया, पता नहीं किससे मांग के लाया, लेकिन यार जरूरत थी आईफोन की, तो अब हम निकलने लगे हैं। दही 800 का, ठीक है। चलिए यार इस टाइम गाइस फाइम आया हुआ, हमारे पास पानी की बोतल थी, इसमें ना बर्फ़ जो थी गर्मी की वजह से सारी पिघल गई थी। तो अभी आया अपने कज़नों की तरफ, आया इधर गई तो वगैरह कह रहा डलवा लूँ पानी छानी पकड़ ले, फिर आगे निकलती। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो चुके हैं बहरिया टाउन के अंदर। लेकिन वो जो सा ब्लॉक है ना जिसमें हमने जाना है, उसमें एंटर होना यार, जब उसमें एंटर होंगे ना कसम से दिल से खुशी होगी। और मैं कसम से इसको किसी दूंगा, इसको मैं ट्रीट दूंगा यार, इसको मैं ट्रीट दूंगा पिज्जा। बड़ी गल होगी, मैं कह रहा हूँ पिज्जा की ट्रीट दूंगा, ये मुझे एंट्री करवा दे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है। हालांकि लास्ट टाइम गया था तब एंट्री नहीं दी थी, लेकिन इस टाइम कह रहा है मुझे डर लग रहा है यार, मैं फेल ना हो तो मेरी तकरीबन 3री से 4थी ट्राई है, तो उससे ज्यादा यार मैं कसम से बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा अगर मैं इस बार ना एंटर हो। तो अभी चलते हैं, जाने तो भाई आईफल टावर पे जाने को। तो यार अभी आईफल टावर जाकर फिर चलते हैं, आप एंजॉय करो थोड़ा, म्यूजिक एंजॉय करो, चेक करो। हाँ जी, तो इस टाइम जी ग्रैंड जामिया मस्जिद जो कि बैरिया टाउन की सबसे बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, अभी वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं आईफल टावर की तरफ पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी वो ना असल में जिसके पास जाना ना वो मेरे ख्याल से अभी कर रहे हैं, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक हम आईफल टावर वहाँ पर
फाइनली आईफल टावर तो पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे वैसे ही खड़े हैं ज़रा छाँव में, तो अभी वो कह रहा है कि 5 बजे चलेंगे क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4। घंटा यहीं पे जलील होंगे क्योंकि सर ज़रा ऑफिस में होते हैं, दोनों ने आना है, तो वहाँ से फिर हम आगे तो बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी आईफल टावर में थोड़ा सा शूट वगैरह कर लें, आईफल टावर भी पहुँचे हैं। जी हाँ जी, आईफल टावर चेक करें। यहाँ पे आते आते भी ना बाइक पे, और गर्मी में तकरीबन 40 डिग्री होगा टेम्परेचर, ठीक है लाहौर का। और यहाँ पे वो भी है, वो लाहौर में बर्फ, विंटरलैंड -10 डिग्री, जेब जवाब नहीं देती, नहीं तो वहाँ पे जाना था। वैसे भी वहाँ पे 2500 की उसकी टिकट है, प्रीमियम। हाँ प्रीमियम की टिकट है उसकी 2500 की, नहीं तो वैसे भी ना कैसे कहते हैं, अगर पैसे होते भी ना तो उन्होंने एंट्री नहीं थी देनी फैमिली के बगैर। कोई बात नहीं, मेरी डार्लिंग है यार, चले जाना था उन्हें, कौन सी बात है। चलो अभी यार जाके शूट वगैरह निकालते हैं भाई, साउंड साउंड निकालता है जरा, टिकटॉक शिकटॉक बनाते हैं, शशके दिखाते हैं दोस्तों को। हम दो ही आए हैं बस, और कोई भी नहीं आया। तो आज दो फर्स्ट टाइम ही आए हैं दो, वैसे तो ग्रुप के साथ ही हम निकल। तो यार फाइनली आईफल टावर पहुंच गए हैं हम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा जी, जो फाइन बेटा है, फाइन बेटा का मूड बन रहा है कि आईफल टावर के ऊपर टिकट लगा के तो आईफल टावर के टॉप फ्लोर पे जाए। 300 रुपया टिकट है टॉप फ्लोर का, थर्ड फ्लोर ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर के 100 रुपया। तो कह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं है, मैं कहता हूँ यार जिस काम के लिए हैं वो काम करके चलते हैं। तो आ भी गए इतनी जल्दी, पानी भरने गया था इनसे, ये पानी नहीं लग रहा यार, बर्फ जमी हुई है सारी, ये इनको पता नहीं क्या कहते हैं, छोटे छोटे टूटी हैं फवारे, फवारे थे उससे ये पानी भर के लाया, मिट्टी वाला पानी। चलो ठीक है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या बोला तूने? हाँ याद है वो दोस्ती का हर यार, आप लोग भी कहोगे कब से आईफल टावर जलील हो रहे हैं, आगे जा ही नहीं रहे। तो भाई जाएंगे, क्या हो गया जाएंगे, अभी तो मैंने एडिट करना है ना, फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे एडिट करूंगा व्लॉग, ठीक है। लैपटॉप पे परेड नहीं फ्री है, अभी को डाउनलोड करूंगा वहाँ से मैं करूंगा व्लॉग एडिट। वो इसलिए मैं अभी साइड पे हो गया क्योंकि उधर धूप है, तो फिर कैमरे में मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, दिखूंगा नहीं रिजल्ट, हाँ ब्लैक हो जाऊंगा। तो देखो वैसे हुआ तो देखो, पीछे से सूरज की रोशनी और मैं काला नजर आऊंगा। यार सोच के व्लॉग बनाना पड़ता है, व्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और वहाँ से भाई पकड़ते हैं, आए हम देखे कहाँ से हैं। चलो यार चल लंग बड़े अच्छा वाड़ी जाना तो टांके लगने ही। आईफल टावर बाय फाइम लव यू, अल्लाह की कसम फाइम लव यू यार, रेट पे आ गई, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, जाना किधर है, रेट पे आ गई सर, किधर ही सानू तक, मैं सानू फोन कर लूं जरा, इधर जान दो एक मिनट रुक के, तो साइड में खा लूं, वाजी ट्रीट में पे आ गई यार, साइड पे तलवार पा गए ना, साइड पे अंदर तो री फाइनली अंदर तो आ गए थे, अब बैठ गए, यानी कि सारे भी आए थे, तो हमें यहाँ पे पानी वाली खानी हो के ना, देखो दूसरी तरफ करो ना कैमरा, आप भी आओ बीच में। चलो इस टाइम हम आए हैं यहाँ पे बैलिया में बैठे हुए हैं, जो रियर ब्लॉग है जिसमें टक्की है, अब वो मैं आपको बताऊंगा नहीं वो कौन सा ब्लॉग है, ठीक है, नहीं तो आप भी यहाँ पे आने की, हर बंदा ही आएगा, हर बंदा आ ही नहीं सकता यहाँ पे, वो एंटर होने ही नहीं देंगे मेन गेट से। बात ये है कि ये ब्लॉग है ना जो उस बैलिया का, ये सबसे रेयर ब्लॉग है और इसमें आम बंदा एंट्री नहीं कर सकता, मुझे आज पूरे 2 साल बाद एंट्री मिली है, मैंने 2 साल में ये मेरी चौथी ट्राई है, ठीक है, ये मेरी चौथी ट्राई है, चौथी बार एंट्री मिली है, वो भी इस ब्लैकिया की वजह से, ना यार इतनी इज्जत ना दे मेरा पूरा, इसकी वजह से एंट्री मिली है। इसके सर थे अभी हमारे पास बैठे थे, वो भी अंदर गए, वो भी अंदर ही गए, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हुए, यहाँ से अभी हम हो सकता है कुछ खाने पीने जाए, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से वापिस जब आना है तो फिर हमने लाजमी आगे जाना है, क्या उसे कहते हैं, डक्की को मिलने, तो यार ब्लॉक के अंदर तो आ गए, बस उसके घर के पास जाना है, मिल ले अच्छे तरीके से, मिल ले इतना ही काफी है हमारे लिए यार, बहुत रेयर ब्लॉग है, बहुत हाई सिक्योरिटी है, कभी भी कोशिश ना करना कि तुम लोग डक्की से मिल लो, नहीं आने देते, नहीं आने, बहुत मुश्किल है, अगर आपका बहरिया में कोई है इस ब्लॉक में, ब्लॉक में फिर आपको बता देता हूँ, ब्लॉक में मैं आपको बताता हूँ, ये मिसर अहरामे मिसर, अगर अहरामे मिसर में आपका कोई आदमी है खुद तो आप उसके थ्रू आप आ सकते हो, वो भी आपको आईडी कार्ड वगैरह मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन सारी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, नाम बाइक का या गाड़ी का जो भी आपका नंबर है, बाइक वाले का तो वैसे भी कुछ नहीं है, आप समझते, गाड़ी पे आओ, गाड़ी पे आओ फिर हो सकता है एंट्री मिल जाए, वो भी थ्रू किसी के, वैसे नहीं मिलेगा, रेफरेंस से, रेफरेंस से मिलेगा। तो मैंने अब नहीं कहा, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सिर्फ फाइन की फाइन ने क्या कहा था कि यार तू ना बस वेट कर, सब्र कर, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र शुक्र करने वाले के साथ है,
मैंने इसको कहा था तू सिर्फ सबर कर, एक टाइम आएगा मैं तुझे खुद लेके जाऊंगा, और वही टाइम देख ले आ गया। मैंने इसको कहा था कि रेडी रही, अभी भी गार्ड ने हमें सिर्फ ये परमिशन दी है कि आपने सामने वाली गली में जाना है और कहीं नहीं जाना। वो इसलिए क्योंकि जिस जहाँ पे हमने आना था वो सारे हमारे उस गली में रहते थे। अब मेन गार्ड से जो मेन गेट पे गार्ड है उससे बच के हमने डक्की की तरफ जाना है। अगर उसने आवाज मार ली हमें, ठीक है, या उसने बुला लिए खेल के, तो उसने कहना यहीं से बेटा बाहर हो जाए, या आगे कोई गार्ड हुआ उसने ना एंट्री दी, तो यार बहुत काम खराब हो जाएगा, बड़ा काम हो रहा है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह पाक खैर करे। भाई साहब एस्टम बाहर है 42 डिग्री, अंदर है 16 डिग्री, ठीक है। मैं कहना तप जाएंगे ओए बाहर जाके, जेडी साडी मत बजनी भाई, तो भाई नाले सारे रास्ते यार सी वे फल फूल ले आए सी, आड़ू ले आए हां, मजेदार आड़ू, मजेदार आज एक कदम मैं भी पाल लिया है यार, मेनू नहीं देता है बड़ा नाम दिए गए। टाइम क्यों है यार, इस टाइम टाइम हो रहा है 5:34, तो अब घर जाते जाते 8 तो बज जाएंगे, ठीक है। अभी यार जरा डक्की की तरफ घंटा डेढ़ लग जाना है, मिल के जाना पावे ते रात 10 बजे तक खिलौना पावे, बस दुआ कर जान दे, जान दे जान दे, वड्डी गल सानू कहां सर जी जरा ओके तक छड़ दे, चलो क्या एक बार असं ट्राई करना है जिंदगी च, जे मिल पिया हूं ठीक, ना मिलिया तो यार कहानी पाना अंदर ही आ जाएंगे एन जी, अंदर जो आ जाएंगे इतने सानू ला देंगे, इतने ही सानू कहेंगे सर जी हमें उससे मिलवा लें, यानी कि उससे स्प्रिंग ब्लॉक में मंगवा के लेके, 2 साल बाद2 साल अलग जन्मा का बड़ा पुराना सा टप्पा आ गया बाकी जो भी मिलना यार अज आ गए एंटर हो गए मिल के जाना। सजी दे देखिएगा ये हमारे सर को है, ये भी लोगर है, नहीं सजी बस कभी कभी बना लेते हैं अगर कहीं पे जाए ना, ये मेरे ख्याल में यार ये लाल लून गाड़ी जो वही है, वही है, वही है सजी, वो उसका बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चा खड़ा हुआ है। ये लो रूम साहब पहुंच गए हैं, ये अड्डे की भाई का घर है भाई, और यानी वो आना लगा ना कैमरे में, ना लेके जाना अच्छा नहीं लगता, नहीं लगा गाड़ी खड़ी हुई नहीं, वैसे वो कैमरे में तो वो इधर ही कहीं होगा, यही है भाई पीछे है, यही है घर, हेलो रूम तक पहुंच गए हम, देखो वो नहीं है पलो आएगा नहीं सर्दी को, इतने तो है नहीं, चल कुछ नहीं होता अगली बारी सही है, ये हमारे सारे सर को हर। वालेकुम व्यूअर्स, और मैं इस वक्त हूँ उस्मान की डायरी, और मेरे पास इस वक्त साथ में आया हुआ हारून, और बहुत खुशी हुई आज फर्स्ट टाइम मतलब मुलाकात हुई है, हम लोग मिले भी YouTube के थ्रू ही हैं, और ये YouTube का ब्लॉग ही हम लोग इसके ब्लॉग में आज कोलैबोरेट कर रहे हैं,
और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए हो। बहुत खुशी हुई है, मैं बैरिया में आया हूँ तो मैंने कहा इनको स्पेशली मैंने मिलना है, और साथ में वहाँ पे डक्की भाई के पास भी आए थे, लेकिन यार जो भी है छोड़ो, उसके घर से बाहर से वापस आए हैं, आपने क्लिप देख ली होगी आपने, लेकिन अभी उससे मिले नहीं है, तो अभी यार मिलने की ना तमन्ना सब डकी भाई, डकी भाई एज अ नेबर हम आपके नेबर हैं, लेकिन आपके फैंस बहुत दूर से आए थे आपको मिलने के लिए, लेकिन अगर आप तक ये व्लॉग पहुंचता है तो मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इन फैंस को जरूर बुलाइएगा और इनसे जरूर मिलिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप तक ये व्लॉग पहुंचे, क्योंकि हमने 3 से 4 बार ट्राई किया और आज हमें एंट्री मिल गई थी ब्लॉग में, ठीक है, थ्रू एक रेफरल से मिली थी, लेकिन ये है कि बस अब ना आप लगता है मिलना ही नहीं चाह रहे हमसे। कोई नहीं, कोई मिलेगा इंशाल्लाह, वो आपकी आपका जो पैशन उससे मिलने का, आपकी जो डेडिकेशन उससे मिलने की, वो इंशाल्लाह खींच लाएगी आपको डकी भाई की तरफ, काफी दूर। ऑब्वियसली वैसे भी थोड़ा वो बिजी बंदा है, आई नो कि मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तब तक ये कभी तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी उस्मान भाई से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों यहाँ पे, इनकी मोहब्बत इनका प्यार है कि यहाँ तक आ गए ये मिलने के लिए। डकी भाई से नहीं मिली, नहीं मिले बाद में जाए, कोई नहीं यार, इस बारा करो, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट किया और डकी भाई ने फिर कह रहा है कि यार ये क्या, अब डकी भाई अगर ने कह रहा है ना तो पहले हमारे पिछले व्लॉग देखे, उन्हें पता चले कि हम कितने पैसे तो में सड़क कर बाइक चला के इतना 50-60 किलोमीटर सफर करके आने जाने का, लेकिन चले कोई बात नहीं, कर्जा किसको, आप देखे हालत खराब हो, केवल मांगे को खा लेना। तो जी आखिरी लम्हात है, हम बस यहाँ से निकलने लगे हैं घर की तरफ, टाइम जो था ना तकरीबन 8 बजे। भाई बात एक मिनट मेरी सुन, बात ऐसी है कि हम करते हैं लोग हैं, ठीक है, जो भी था जैसा भी दिन गया अच्छा गुजर गया, उस्मान भाई से मिले हैं, ठीक है, उस्मान भाई जी ने भी हमारे साथ काफ़ी अच्छा काम किया, उस्मान भाई का भी थैंक यू, मैं चैनल भी यार मैंशन करूँगा, जो देखते हैं यार उनको भी सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं 5-10 सब्सक्राइबर भी उनके बढ़ जाएंगे, बाकी ये कि आइंदा बैरियाँ नहीं आएंगे इस मामले में, डकी के मामले में, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करेगा, आपको भी करेगा सबको, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, आप रस्ते के कुछ क्लिप्स क्लिक लेते हैं और ब्लॉग करते हैं हम इसी तरह एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह ब्लॉग जाएंगे और पूरे अच्छे वाले आएंगे, अब बहुत जल्द मोबाइल ले लेना इंशाल्लाह। हाँ जी, अब करते हैं इसी के साथ एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नहीं मिले पहाड़ में जाए, अब नहीं मिलना, करते हैं, बाकी बड़ी कोशिश की है यार, बाकी उसके घर तक हो गए हैं, घर के बाइक से हो गए हैं, बट उससे नहीं मिले, बाकी कोई बात नहीं, अल्लाह सब्र व शुक्र के साथ वापस हमारे वापस में, बाकी अल्लाह ताला दर्जात हर किसी को बुलंद करे, बाकी हमें भी सक्सेस इंशाल्लाह मिलेगा जरूर।